यार जिस चीज का डर था वही हुआ। सुबह से मुझे लग रहा था कि इसकी तबीयत सही नहीं है। ओए होए 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 सिप्तेन, यार डक का बच्चा मरा हुआ है। ये तो ठीक था यार कल तक। सुबह मुझे लग रहा था थोड़ा सा सुस्त है ये। अच्छा। तो इतना जल्दी ये फिर मर भी गया। इसका साथी तो पहले मर चुका है। यार क्या हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? हमारी डक का बच्चा मर चुका है। मैं नहीं जानता यार इसे अचानक ऐसा क्या हो गया जो एक्सपायर हो गया फौरन। सितैन यार इसे बाहर दफना के हो यार इसे। अच्छा। यार एक कबूतर आया हुआ है ब्लैक कलर का, ये देखें। थोड़ा पकड़ते हैं इसको, आराम आराम से ना अपने कबूतर उड़ाओ, डरा नहीं देना। ये डर के खा रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये खा के उड़ना चाहते हैं। हमारे कबूतर कुछ नीचे हैं, ये देखें यहाँ पे। सही सही है, सही है। ओ भाई सारे कबूतर हमारे ये देखें लाइन में बैठ गए हैं यहाँ पर। इसको देखते हैं कि देख के आता है या जाता है, और वो चला भी गया, क्या पता यार दोबारा आएगा। तो आप हैं इसका इंतज़ार करेंगे। आज आ गया तो ठीक, अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, मसला ही नहीं है। कल हमने कितना चिड़िया पकड़ी थी? सारी तकरीबन। तकरीबन सारी नहीं, एक चिड़िया यहाँ पर रह चुकी है और देखो वो सामने बैठी हुई है। ओए अब क्या करें इसका? इसको क्या करें, इसको भी पकड़ते हैं और बेचारी को आजाद करते हैं, अकेली घूम रही है यार यहाँ पर। हाँ यार लास्ट चिड़िया रह चुकी है। कल तो हमने कोशिश की थी सबको पकड़ने की, लेकिन ये कहीं पर छुपी हुई होगी जो हमारी नजर में नहीं पड़ी। तो चलो इसको पकड़ते हैं। चलो भाई चलो, इधर छुपी है और मेरे ख्याल में यहीं से निकल जाएगी ये। ओ भाई पकड़ो इसको यार जल्दी। तो आप हाँ ये देखें आगे। हाँ तुराप 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 पकड़ी। चलो इसको आजाद करते हैं। आप आ जाओ तुराप, अब गौर से तो देखने दो यार, इसको तो देख भी नहीं पाए हम। ये जी बहुत ज्यादा उड़ती रहती हैं यार। चलो चलो जी चलो। वो आ गया कबूतर, कितना फिर आ गया काला। हाँ वो बैठा, ये बैठा वाकई भाई। इसका मूड लग रहा है आने का, तो भाई मेरे तो दिल आ गया इस पे। मुझे लगता है इसका भी दिल है यहाँ पे रहने का। आप उड़ाएं इस चिड़िया को। हाँ चिड़िया को उड़ाते हैं यार, उधर उड़ाते हैं आसमान की तरफ। इसका मुंह होना चाहिए ना, ताकि प्यारी लगे जब उड़ के जाए ना। चलो ये जाओ भाई जाओ, आजाद हो जाओ तुम। तो यह चिड़िया तो उड़ गई है और मजे से अब यहाँ पर रहेगी आजाद। तो अभी हम चलते हैं मास्टर केज में और देखो सितैन फिर आ गया कबूतर। और देखो भाई कबूतर ही आएगा हमारे पास आएगा, लिख लो भाई ये बात। अच्छा, एक ना एक दिन इधर रह रहा होगा। सेम लकी की जैसे है, बस टेल ना इसकी जो है ना दुम। हाँ। वो सादी है, बाकी सेम कलर शाइन सेम टू सेम जो हमारे ब्लैक लकी ना वैसे ही है। चलो इंशाल्लाह आ जाएगा ये। बात सुनो, मैंने तुमसे ना एक मशवरा लेना है। जी भाई। जो कबूतर है ना मास्टर केज में। जी जी। मैं सोच रहा हूँ इन कबूतरों को ना हम छोड़ दें बाहर, क्योंकि मास्टर केज में बहुत ज्यादा रश लगता जा रहा है यार परिंदों का। ये तो है, मास्टर केज बोल रहा ही नहीं है जो पहले होता था सुकून वाला। अच्छा तो ज्यादा हो गया ना कबूतर, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया यार। जो कल आए ना कबूतर हमारे पास। हाँ हाँ ये वाले तीन तुमने अंदर छोड़ दिए थे ना, फिर ये वाले मैं पकड़ता हूँ, ठीक है? अच्छा और ये वाला भी पकड़ता हूँ। चलो इनको बाहर छोड़ो तुम, मैं दूसरे पकड़ता हूँ ये वाले जो है, और तीन बहादुर भी हम हमारे जो है ना इनको भी हम छोड़ते हैं बाहर। बहुत कचरा कर रहे हैं यार मास्टर केज में, पागल इंसान उड़ जाएगा यार ये तो। पर निकालने थे ना मैंने, ऐसे थोड़ी बोला था छोड़ने। सिप्तैन ने ऐसे ही छोड़ दिया इनको। मैंने इसको बोला था कि बाहर छोड़ दो, लेकिन इसके जहन में आया छोड़ना है तो बस छोड़ना है, पर वगैरह निकालने भी है इसके जहन में नहीं आया। यार वो देखो वो बैठी है ना यार, एक जर्द कबूतर हमारा ना, वो देखें वो बैठा होगा लाल शिराजी, ये उड़ जाएगा अब पागल। ये गया, ये दाना वगैरह डालेंगे ना आ जाएंगे सारे वापस, वो वाले भी आ जाएंगे, अपने वाले भी जो अभी छोड़े हैं वो भी आ जाएंगे। हैं वापस नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, आ जाएगा यार आ जाएगा। भाई मुझे पता ही नहीं चला, तो एक कबूतर तो मेरे सामने अभी उड़ा है पीछे गया है, वो शायद ना आए, लेकिन जो ये बैठी है ना ये जरूर आएगी वापस। और दूसरा ये था वो भी बैठा है, यही था ना, ये तो बैठा है, ये कहीं नहीं जाएगा, वो भी कहीं नहीं जाएगी। जिसने उड़ना था वो उड़ गया, क्या कह सकते हैं यार। आ गया तो आ गया, कोई नहीं, मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं, बस हो गया, हो जाता है। बहुत बड़े लग रहे हैं चकल से भी। वालेकुम सलाम।
यार रोज कोई ना कोई चीज आ रही है। अच्छा ये ना वो मुझे फुल ब्रीडर लग रहे हैं मेरे ख्याल में। हमारे पास जो है ना वो छोटे छोटे यार ये खरगोश लेके आया है भाई और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है, ये भी प्यारा है और दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, ब्रीडर हैं। तो भाई क्या बात है, बहुत अच्छी चीज है ये तो। ये मेल है, ये फीमेल। अच्छा ये बड़ी बड़ी लग रही है, ये बच्चे तो नहीं देने वाले। अच्छा इसके पेट में बच्चे हैं, पक्की बात है, चेक किए हैं, देख लेते हैं अभी। सही है सही है, चलें चलें चलें। ये लड़ेंगे तो नहीं यार आपस में, ये बड़े हैं ना, मैंने कहा शायद आपस में लड़ाई ना कर। चलो जी छोड़ दिए माशाल्लाह। यार हमारे रैबिट हाउस में दो नए मेहमान आ तो चुके हैं लेकिन बहुत ज्यादा कचरा हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम सफाई कर लें जल्दी से ताकि ये यहाँ पर आराम से रहें, सुकून से, और खुश हो जाए कि यार हमारा घर वाकई में अच्छा है। तो चलो यार ये पानी हम गिरा देते हैं इधर और बाकी मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेता हूँ। तो यार जैसा कि आपको पता है कि ये खरगोश अंडे देने वाली है, अंडे देती है, बच्चे देती है, सॉरी यार बच्चे देने वाली है। तो इसके लिए हम घर को ना प्रॉपरली सेट करते हैं, सफाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका एक घर सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, नेस्टिंग मटेरियल। जी नेस्टिंग मटेरियल रखेंगे क्योंकि अंडे देगी ना उसमें। तो यार सफाई तो मैंने कर ली है और हमारे न्यू रैबिट्स बाहर निकल चुके हैं माशाल्लाह। ये फीमेल है और ये बच्चे देने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यार हमारे घर में जो रैबिट्स अभी आए हैं ये जल्द से जल्द बच्चे दे देंगे, तकरीबन एक से डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर। तो क्या होता है वो नेस्टिंग मटेरियल? तो हाँ यार नेस्टिंग मटेरियल हम इसके लिए लेकर आते हैं ताकि ये जल्दी से कंफर्टेबल फील करे और जाके अपना घर बनाए और उसके अंदर अंडे दे दे। तो मैं और सिप्तान जाते हैं और अंडे अंडे यार मैं अंडों की यार जिक्र कर लेता हूँ, बच्चे यार दे सके। तो यार इसके लिए जाते हैं, नेस्टिंग मटेरियल लेकर आते हैं रैबिट के लिए। ये तो पहले से ही पड़ा हुआ है यार, यही उठा लेते हैं ना, ये मुझे सही लग रहा है और ये सूखा भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल अच्छा घास है यार। यार हमारे लिए किसी ने तोड़ा होगा क्या? बस यहाँ से किसी ने काटा है शायद, है ना, ऐसे ही है। चलो चलो आ जाओ और भी है। अब बताओ भाई तुम इसका कह रहे थे ये घर सही रहेगा, कह रहे थे ना इसके अंदर, फिर देखेंगे कैसे हम इसको उठा के। नहीं तो ये वाला कर लेते हैं फिर। हाँ ज्यादातर जाती भी है इसमें, इसको उठाओ। हाँ ऐसे, अच्छा इसको उठाओ ऐसे, अच्छा और ये रख दो। चलो शाबाश, जाओ भाई घास जाओ। और ये यहाँ पर रहेगी मजे से और अपना घर बनाएगी और बच्चे देगी, ऐसे ना ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, खुद बना लेगी, अब सेटिंग कर लेगी, खुद बना लेगी, अभी तो बाहर घूम रही है। चलो जाना वगैरह खा। तो ये तो यार इनका घर हमने बना लिया, साफ सफाई कर ली है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो फिलहाल हम बाहर चलते हैं और हम अपनी लाफिंग डव्स को देख लेते हैं। यार कल हमने उनको आज़ाद नहीं किया, मैं तो करना चाह रहा था आज़ाद लेकिन सिप्तान ने बोला नहीं भाई ये है हैंड टेम और इनको हम आज़ाद नहीं करते, ये यहाँ पर मास्टर में अंडे देंगी, अपने ब्रीड बढ़ाएंगी। तो अब मुझे लग रहा है यार सिप्तान यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स है यार और मुझे लगता है ये अंडे भी दे देंगी यहाँ पर। तो फिलहाल तो इनको अपने हाल पर छोड़ते हैं और टाइम आ गया है फिशेज को खुराक देने का, शाम की खुराक देनी है फिशेज को। जी और एक ये भी खोल दो फाउंटेन, जो पानी खुलता है ना फिर और मच्छर ना इधर आ जाती है। पानी की तरफ? हाँ देखना अब सारी ऐसे ऐसे आएंगी और इस पानी की तरफ आ जाएंगी देखो ये गई सारी। पानी जहाँ पे हिलता होता है ना मछलियाँ वहाँ पे रहना पसंद करती हैं। ठीक है करो और ये भी चला दो फाउंटेन जल्दी से, जल्दी जाओ जाओ भाई चला के आओ। हाँ अब चल रहा है, अब फील भी हो रहा है कि वाइब्रेशन हो रही है और पानी ऊपर जा रहा है ऐसे, अब यहाँ से आएगा। ये देखें पानी भी आ रहा है यहाँ पर, ये एक दो ये आ गया। हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और दुआ लाजमी कर दीजिएगा कि ये जो मेरे हाथ में रैबिट है ना
इस जल्द से जल्द बच्चे दे दे और इसकी तबीयत भी सही रहे यार, ये ना हो कि ये बीमार बीमार हो जाए। और डर लग रहा है, पहली दफ़ा देख रहे हैं ना ऐसे रैबिट जो बच्चे देने वाली हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल जहर मिजाज को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।